आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक के बारे में, जो कि पूरी तरह ग्रोइंग इंडस्ट्री से रिलेट करता है, पूरी तरह फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है और ये इंडिया की ग्रोथ के साथ पूरी तरह अलाइंड है। तो हम बात करेंगे अबाउट द कंपनी, इट्स बिजनेस, इट्स फ्यूचर, इट्स लीडरशिप एंड इट्स फंडामेंटल्स। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। आज का जो हमारा स्टॉक है वो होटल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसकी डिमांड ओवर द ईयर बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ट्रैवलिंग, घूमना जाना किसको पसंद नहीं होता। ट्रैवलिंग में जैसे हम जानते हैं उसमें रहना, खाने पीने, ये सारे खर्चे आते हैं और जो कंपनी ये सारे सर्विसेज अपने टूरिस्ट को प्रोवाइड करेगी और बेटर क्वालिटी में प्रोवाइड करेगी, तो वही कंपनी इन्वेस्टरों को बहुत बड़ा पैसा बनाकर दे सकती है। और जब हम होटल सेक्टर की बात कर रहे हैं और उसमें टाटा ग्रुप का नाम ना है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है द इंडियन होटल कंपनी और ये अपने सेक्टर में एक लीडर कंपनी है जो ताज जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को ओन करती है। अब कंपनी में ग्रोथ आना शुरू हो गई है क्योंकि जैसा हम जानते हैं क्योंकि कोविड की वजह से इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। जैसे अब लाइफ नॉर्मल हो गई है, सब लोग अब घूमना फिर से स्टार्ट कर चुके हैं, तो अब कंपनी काफ़ी अच्छे नंबर शो करने लगी है। अगर हम अबाउट द कंपनी बात करें तो कंपनी अराउंड 180 प्लस होटल्स को इंडिया में ओन करती है और ये 90 प्लस सिटीज़ में इनकी स्ट्रॉन्ग कस्टमर प्रेजेंस है। इसके साथ साथ ये 17 इंटरनेशनल होटल चेन्स को भी ओन करते हैं और ये इंडिया की लार्जेस्ट होटल चेन कंपनी है। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है तो मैनेजमेंट की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि टाटा ग्रुप अपने मैनेजमेंट के लिए ही जाने जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। 55,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी है, जिसका करंट प्राइस अराउंड 393 रुपीज़ का चल रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई अराउंड 407 रुपीज़ का है और 52 वीक लो अराउंड 605 रुपीज़ के आसपास का है। कंपनी का पीई रेशियो अराउंड 55 का है, पीबी रेशियो अराउंड 6.95 का है। कंपनी अराउंड 0.26% का अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी पे करती है। कंपनी की बुक वैल्यू अराउंड 56 रुपीज़ की है। कंपनी के पास 1000 करोड़ से ज़्यादा का कैश है, लेकिन कंपनी के ऊपर 800 करोड़ का डेब्ट भी है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर 7 रुपीज़ की है। तो अगर हम इसके पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो ये कोविड की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, लेकिन अब सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, सारी जिंदगी नॉर्मल हो चुकी है, अब सब लोग अपने ऑफिसेस खोल चुके हैं। तो अब कंपनी ने अपने लास्ट ईयर में, अगर 2022 में देखें, तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को और सेल्स को और अपने रिजर्व्स को काफी बड़े मार्जिन से बढ़ाया है। कंपनी का आरओई अराउंड 12% का है और आरओसीई अराउंड 13% का है। कंपनी अपने सेल्स को, प्रॉफिट को ओवर द ईयर्स बढ़ाते ही जा रही है। कंपनी अपने रिटर्न रेशियो उसको भी काफ़ी अच्छा कर रही है। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देखते हैं तो इसमें अराउंड प्रमोटर के अराउंड 41.05% की होल्डिंग है, इसमें 15.19% की FII की भी होल्डिंग है एंड अराउंड 25.16% की DII भी होल्डिंग है और इसमें अराउंड 18% के आसपास पब्लिक शेयर होल्डिंग भी है। तो अगर हम स्टॉक को उसके पास्ट परफॉर्मेंस में देखते हैं तो ये अपने इन्वेस्टरों को लास्ट वन ईयर में अराउंड 80% का रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 साल में ये अपने इन्वेस्टरों का पैसा डबल से भी ज्यादा कर चुका है। तो अगर हम इसमें अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो आपको अगर जब भी मौका मिले तो आप इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। थैंक यू।